बिहार पुलिस ने 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ इलाके में दो संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन पुलिस के हाथ इस छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज लगे उसने सभी को बुरी तरह से चौंका दिया। यह पीएफआई का वो विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें उनकी पूरी साजिश, पूरा प्लान दर्ज है। इससे पहले हम पीएफआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन जीएमबी के सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करें, उससे पहले जरा पुलिस के बड़े कप्तान का ये खुलासा जरूर सुन लीजिए। पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसके एंटी चल रही थी। पुलिस ने 11 जुलाई की रात फुलवारी शरीफ इलाके के नया टोला नहर पर मौजूद मोहम्मद जलालुद्दीन के घर पर रेड की और मौके से झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया। लेकिन इनके पास से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंकाया। सबसे पहले तो ये देखिए कि बिहार पुलिस को इस छापेमारी में हाथ क्या क्या लगा। एक हाजिरी रजिस्टर, पीएफआई का झंडा, पैम्फलेट, कई तरह के धार्मिक साहित्य। इन दस्तावेजों में पीएफआई का वो सीक्रेट प्लान भी छुपा हुआ जिसको देखकर सभी के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किए उनमें पीएफआई के भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान छुपा हुआ था। बिल्कुल, प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है। अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बिना पे इंटरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं। तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम एक सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। दस्तावेजों में लिखी इबारतों का जो तर्जुमा सामने आया उसने पीएफआई के 2047 के प्लान का पर्दाफाश कर दिया। अगले 10 सालों की पीएफआई प्लानिंग का जिक्र, बिहार के 9 जिलों को टारगेट करने की प्लानिंग। पीएफआई ने इंडिया विजन 2047 को लेकर एक प्लान तैयार किया। आजादी के 100वें साल में सत्ता मुस्लिमों के पास हो, 2047 तक इस्लामी सरकार बनाने का टारगेट, मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने की जरूरत पर जोर, इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार। पीएफआई के 8 पेज के दस्तावेजों में देश के खिलाफ साजिश का पूरा प्लान दर्ज है। पीएफआई की साजिश की पूरी सीक्रेट फाइल अब सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है। पटना पुलिस के मुताबिक फुलवारी शरीफ में एक मकान में देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही थी और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर पूरा खेल खेला जा रहा था। इतना सब कुछ हाथ लगने के बाद अब बिहार की पुलिस पीएफआई के इस साजिश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की से फंडिंग के तार को खंगालने में जुट गई है। ऐसे में ये बात भी सवालों के दायरे में आ ही जाती है कि आखिर कहीं ये किसी खास साजिश का पैटर्न तो नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से देश में सिर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं को टारगेट पर रखकर हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दी जा रही है, हिंदुओं को कायर कहा जा रहा है। क्या ये सब भारत विरोधी देशों के साथ मिलकर ये कोई इंटरनेशनल साजिश है? सवाल ये भी है कि देश को तोड़ने और इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले पीएफआई के साथ वो कौन से लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? पटना पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें एक तो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा भी है, जबकि दूसरा शख्स अतर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। अतर आतंकवाद के आरोपियों को जमानत दिलाने में मदद करता था, जबकि उसका भाई मंजर परवेज 2001 बम ब्लास्ट केस में जेल भी जा चुका है। अतर भी एक केस में आरोपी है, वो ट्रेनिंग फंडिंग भी इकट्ठा कर रहा था। जांच में पुलिस को उसके खाते में करीब 83 लाख रुपए मिले हैं। जाहिर है कि अब इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को भी जांच करनी होगी। इस नए खुलासे के बाद आतंकियों का सेफ पैसेज कहा जाने वाला बिहार अब आतंकियों का सेफ पैलेस बनता दिखाई दे रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।